थोड़ा आगे चल के हम दूसरे वाले पंडाल में आए हैं। पंडाल का व्यू चेक कराता हूँ आपको। गाइस हमने फिर से ड्राइवर चेंज कर लिया है। हमने बारी बारी तीसरा ड्राइवर अब स्कूटी राइड कर रहा है। तू वीडियो बना रहा है लाइव चला रहा है? वीडियो है। ओके गाइस हम ड्राइवर एडिट हो जाएगा। बार बार भंडारा हो रहा है। ओह वो भी देसी निगा तुम्हें वो लग गया ना पंडाल लग गया। मेरे फ्लैट वाले ना चूती होते हैं। पहले पैसा खराब करना आता है ना। ज्यादा पैसे हम बताएंगे पैसे कैसे खर्च करने हैं। अरे वो यही तुम्हारा मोहन गार्डन पड़ता है। क्या पड़ता है? मोहन गार्डन पड़ता है। लोहंडे पड़ता है तुम्हारा? मोहन गार्डन पड़ता है हमारा। ऑलरेडी हमारा ही मोहन गार्डन पड़ता है। तो हमारा ही मोहन गार्डन पड़ता है। हेलमेट पहनता हूं। ठंडी तुम्हारे क्या पड़ता है? क्यों नवादा पड़ गया आप ही नहीं रहा तू नवादा आप ही नहीं रहा नवादा पड़ता है। नवादा संजय कुमार नवादा पड़ता है भाई। मोहन गार्डन आता है हमारे नवादा। मोहन गार्डन ये आगे रहूंगा मैं। अब यहाँ से बाहर नहीं यही सही जा रहा है। सही जा रहा। अरे सही जा रहा है। वो वाला रोड आ जाएगा सीधा वहाँ से। यार मैं बोलूंगा फिर तेरे क्यों ज्यादा आ जाएंगे। बोलना तुम्हारा कोई चक्कर लो हो रहा है मेरा सर्दी में चला जा रहा है मेरा स्टैंडर्ड। हाँ तो घूमूंगा स्टैंडर्ड। थोड़ी सी डार्क भी हो ना। डार्क नहीं चाहिए मतलब डार्क हल्की हल्की डार्क भी होती है। रेसिस्ट है बट डार्क बोल रहे हैं यहाँ का गाना। सीधा चल रहा है ना नहीं सीधा ही पड़ता है राइट कौन सा होता है यार। मेला द्वार द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी। तो हम कितने पंडाल चेक कर चुके हैं अभी? 900 पंडाल चेक कर चुके हैं। द्वारका के सारे ऑलमोस्ट चेक मार लिए ना सारे। ये रामलीला में वो तो ठीक है सारे स्टॉल वगैरह लगे हुए आइसक्रीम वगैरह के। लेकिन अचानक से मेरी नजर इस पे पड़ी। ये पान बाहर क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? पान बाहर का इधर क्या काम है? क्या काम है इधर पान बाहर का? मुँह में पान बाहर कदमों में दुनिया। भाई पान मसाले की एडवर्टाइजमेंट मेले में तो छोड़ देते यार। पान बार का सैंपल मिल रहे हैं। पान बार वाले आर्चरी खिला रहे हैं फ्री में। आई थिंक जो फर्स्ट एरो है वो फ्री है लेकिन इसके बाद के जो एरो है वो उसका 10 रुपीज का चार्ज है। या एरो के ले सकते हो या तो उसको परचेज करना पड़ेगा। ये पान बार वगैरह जो भी है इनका जो गुटखा वगैरह है वो परचेज करना पड़ेगा तब जाके एरोज मिलेंगे। बट ठीक है मैं क्या बोलूँ इस चीज के बारे में। लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है। यार एक चीज समझ नहीं आ रही है सिग्नेचर इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहा है भाई वो भी मेले के अंदर। भाई आदिवासी ये वाले जो तेल है इसकी तो एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रही है जोरों जोरों से। तो यार ये सेल कर रहे हो क्या? ये क्या मतलब क्या गीता का मिलता तेरा ज्ञान अमृत? अच्छा इसके अंदर वेद शास्त्र अच्छा ज्ञान है गीता के श्लोक्स वगैरह इसके अंदर। तो फिर हम प्रॉपर गीता ही क्यों नहीं ले लेंगे? इसके अंदर जो छाट छाट के दिए गए हैं आप गीता पढ़ोगे ना उसमें आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या क्या लिखा है। पहले से गीता पढ़ ध्यान लग रहे थे गीता पढ़ ध्यान लग रहा उसके असली मकसद का हमें पता नहीं था कि इसमें लिखा हुआ क्या है। थोड़े पेज में श्लोक वाइज सारे मिल जाएंगे ए टू जेड कौन सा अध्याय नंबर पेज नंबर सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा उसके राइटर कौन है? संत रामपाल जी महाराज।
रामपाल जी महाराज जी पुस्तक गार्ली की पुस्तक वो ज्ञान मिलिया वाग्यम आए कहाँ से चारा गाय तक किसी ने बताया अच्छा कि पैदा क्यों होते मर क्यों जाते हैं इसका क्या रीजन है ब्रह्मा विष्णु महेश ने कौन सी बुरा है कौन पैदा करता है कौन सफाई करता कौन मरता है ये है लेकिन फिर ना मैंने ये चीज भी देखी आपकी एक सारे धर्मों को एक साथ दे रखा है इसमें बट वी आर नॉट इक्वल ना सनातन धर्म इज टॉप लेवल तो बट फिर इसमें सारा दिखा रहेगा इसमें वो भी है तो वो चीज यही तो पहचान की पहचान क्या हो पाएगी बताओ आप ये कैसे हुआ अच्छा ज्ञान गंगा इसके अंदर क्या होगा इस चीज का पढ़ते हैं बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ पढ़ते हैं परमात्मा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं आ रहा सारे भाई भाई है अच्छा ये मजहब कहाँ से बैठे हुए हैं ये नहीं मालूम जन्म तो पहले भी गए अच्छा और बाद में गए असंकुचित हो गए पैदा होते मरते पैदा होते मरते मोक्ष का कारण क्या है अर्जुन खुद कह रहा है कि तू नहीं जानता मैं जानता हूँ कि तेरे जन्म मेरे जन्म पहले मरते रहे आगे मरते रहेंगे ठीक है राजलीला चल रही है ना इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रही है राजलीला आ रहा है ना राजलीला रामलीला देखने नहीं आ रहा तो रामलीला के आधार पे खाना पीना मस्ती मारने आ रहा है और आपने सनातन धर्म के बारे में पूछा था ना किसके बारे में सनातन धर्म के बारे में सनातन धर्म में भाई सनातन का मतलब क्या होता है ये धर्म नहीं है सनातन का मतलब क्या होता है मानव जो जितने भी मानव है उन सबको साथ लेके चलना सनातन धर्म का मतलब ये होता है भाई धर्म से कोई मतलब नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई मतलब नहीं है ये हमारे बड़े धर्म है ठीक है पहले कोई धर्म नहीं था ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई पहले सनातन धर्म चलता था पहले चार धर्म थे क्या क्या नाम थे चार धर्म थे पहले वैश्य शूद्र और ब्राह्मण ब्राह्मण वैश्य शूद्र और एक होता क्षत्रिय क्षत्रिय चार थे वर्ण कहते थे इनको काम के आधार पर होता था अच्छा बाकी धर्म कुछ नहीं है हम एक इंसान है सब सब कीमत ले रहे 20 रुपए ये कितने की है 20 रुपए की सारी बस ले रहा हूँ कीमत नहीं ले रहा उसकी ये तो जैसे फ्री में देता हूँ फ्री के क्या है उसकी अहमियत नहीं समझेगा अच्छा यार चाय पूछे 50 रुपए चाय जाए हाँ बिल्कुल ठीक है आप एक तरीके से सेल नहीं कर रहे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जो गुरु है ये बिल्कुल जी उनका उनका एक तरीके से प्रमोशन कर रहे हो बिल्कुल जी बिल्कुल क्योंकि अगर देखा जाए तो या अगर हम किसी भी चीज की लेंगे तो मेरे हिसाब से 200 या 250 रुपए की पड़ती है नीचे तो कोई मतलब ही नहीं और ये आपने बताया 20 रुपीज की है मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा कम ले रहे हमारा मकसद है ज्ञान तक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना अच्छा ताकि लोग सत भक्ति करे और सनातन धर्म की तरफ चले लोग बुराई छोड़ दे 20 रुपए है जो व्यक्ति बुराई करता है वो इंसान खराब होता है जो किसी धर्म में और मेरे को अगर इनके बारे में और जानना हो इनके बारे में और जानना हो तो मैं जा सकता हूँ संत रामपाल जी इनका इसका आश्रम वगैरह दिल्ली में आश्रम वगैरह कहाँ पे मुंडका आपको बहुत ज्यादा लंका के दो सैनिक माचिस ले लो माचिस और ये अभी चलेगा भैया हाँ ये अभी चलेगा भाई थोड़ी देर आधे घंटे बाद चलेगा अरे आज रावण के सर धड़ और हाथ पैर लेकिन ये रखा हुआ है आग बुझाने वाला रखा हुआ है जो लंबा वीडियो बना रहा है 1000 किलोमीटर की वीडियो बन रही है 1000 किलोमीटर नहीं होता भाई मिनट होता है 4 घंटे 5 घंटे पप्पू से लगा पड़ा ये हमने हेल्प करी है एक बंदे की किसी का VIP पास गिर गया था और हमने हेल्प करी है इन भैया की ये भैया VIP एंट्री करवाएंगे हमारी